दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी भी जगह मौजूद है जहाँ पे किसी के मरने पे रो भी नहीं सकते, और अगर कोई उनके रूल को फॉलो नहीं करता तो उसकी सज़ा उसके खानदान समेत उसकी 3 पीढ़ी तक को भुगतनी पड़ती है। बात हो रही है नॉर्थ कोरिया की, जहाँ पे अभी किम जोंग राज कर रहा है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों के साथ गुलामों से भी बदतर सलूक किया जाता है। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट का मानना है कि उनको हर हाल में उनके रूल को फॉलो करना है, फिर चाहे इसमें उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। कुछ ऐसा ही हुआ था नॉर्थ कोरिया में, जब एक महिला के घर में आग लगी थी और उसके बच्चे उस आग में फंसे थे, तो उस महिला ने अपने जान पर खेल कर अपने बच्चों को बचाया, जो कि हर माँ ऐसा ही करेगी। पर नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट उस महिला को शाबाशी देने के बजाय उसे मौत की सज़ा सुना दी। बस उसकी एक ही गलती थी कि उसने उस आग में से किम जोंग की फ़ोटो के बजाय अपने बच्चों को बचाया। अजीब नहीं लग रहा है? इमेजिन करो कि आप एक ऐसी जगह फंस जाओ जहाँ पे आपको अपनी पसंद का खाना नसीब ना हो, अपने पसंद के कपड़े पहनने को ना मिले, अपने पसंद के आप हेयर कट नहीं करा सकते, अपने पसंद के गाने सुन नहीं सकते, अपने पसंद की मूवी भी नहीं देख सकते, और यहाँ तक कि अपने पसंद का धर्म भी फॉलो नहीं कर सकते। पूरे नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक ही धर्म है और वो किम जोंग है। यहाँ लॉ बनाने वाला भी यही है और तोड़ने वाला भी यही है। वहाँ के लोगों का सब कुछ किम जोंग ही है। और इसमें हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वहाँ के तकरीबन 90% लोग ये सारे स्टूपिड रूल को हर दिन फॉलो करते हैं, यानी उनकी नज़र में उनका गॉड किम जोंग ही है। अगर किसी ने किम जोंग के बनाए गए रूल को तोड़ने की कोशिश की तो उसको मारना किम जोंग की ज़िंदगी का मकसद बन जाता है, फिर चाहे वो उसका सगा अंकल हो या फिर इसका भाई क्यों ना हो। आइए नॉर्थ कोरिया के कुछ रूल पर नज़र डालते हैं। 2009 में यहाँ एक 2 साल के लड़के को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, सिर्फ एक वजह से कि उसके माँ बाप के पास से बाइबल की किताब मिली थी। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में किसी भी धर्म को फॉलो करना भी एक जुर्म में माना जाता है। यहाँ कोई जुर्म की सज़ा कम से कम उम्र कैद है और ज़्यादा से ज़्यादा मौत। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में वैसे तो फॉरेनर का आना मना है, पर फिर भी अगर किसी को परमिशन मिल जाए तो उसके पूरे ट्रिप में साय की तरह पीछा किया जाता है और उसे वही सब दिखाया जाता है जो वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है। कई बार तो ये तक देखा गया है कि वहाँ पे फॉरेनर को भी मार दिया जाता है अगर वो कोई ऐसी हरकत करे जो वहाँ के लॉ के खिलाफ हो, जैसा कि ओटो वोम्बियर के साथ हुआ था। ये अमेरिका के रहने वाले थे जिसने 2015 में नॉर्थ कोरिया विजिट किया था। 2016 में इनको तब अरेस्ट किया गया, तब उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने होटल रूम से किम जोंग की फ़ोटो हटाई। इस इल्ज़ाम के लिए इनको 15 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन एक ही साल के बाद ये नॉर्थ कोरिया की जेल में कोमा में चले गए। फिर इनको अमेरिका भेज दिया गया और उसके कुछ ही दिनों बाद इनकी मौत हो गई। रिपोर्ट में बताया गया कि इनकी मौत की वजह उनके बदन पर मौजूद जख्म और दिमाग पर लगाया प्रेशर है, जिसकी वो ताब ना ला पाए और उनकी मौत हो गई। इनके साथ नॉर्थ कोरिया में क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में रोड तो है पर इस पर गाड़ियाँ नहीं चलती, क्योंकि वहाँ किसी के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो गाड़ियाँ खरीद सके। नॉर्थ कोरिया में 60% लोग गरीबी का शिकार हैं। वहाँ पैसा सिर्फ उन्हीं लोगों के पास है जो किम जोंग के साथ खड़े हैं। लोकल पॉपुलेशन को तो गुलाम समझा जाता है। यहाँ ना तो फेसबुक है, ना ही व्हाट्सअप और ना ही यूट्यूब। सोशल मीडिया का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। यानी यहाँ के लोगों के लिए इंटरनेट एक न्यू वर्ड है जिसे वो पहली बार सुन रहे हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में फॉरेन मूवी देखना या इंटरनेशनल कॉल करना सख्त मना है। 2007 में एक बिजनेसमैन को सबके सामने तब मार दिया गया जब वो अपने सीक्रेट फोन से एक इंटरनेशनल कॉल किया था। अगर कोई किम जोंग की मीटिंग में सो जाए तो उसे भी मौत की सज़ा सुना दी जाती है, फिर चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर ही क्यों ना हो। एक मीटिंग के दौरान जब डिफेंस मिनिस्टर को नींद का झोंका आया तो उसको सबके सामने गोली मार दी गई। दोस्तों, आपको अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर।